कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल NCERT ट्यूटर पर। आज हम आपके लिए लेके आए NCERT मैथ का नया चैप्टर स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में हम एक लाइन के बारे में पढ़ेंगे, एक लाइन किस तरीके से एंगल बनाती है, उन किसी लाइन से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होती है कभी, और एक लाइन को कितने तरीकों से दर्शाया जा सकता है। चलिए करते हैं स्टार्ट। एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन यानी एक सरल रेखा क्या होती है? डेफिनेशन, सबसे पहले किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन जरूर पता होनी चाहिए हमें। एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या होती है भाई? अब कोई दो पॉइंट है, उनको अगर मैं मिला दो पॉइंट्स को मिलाने पर जो मेरी रेखा मिलती है, ठीक है भाई, वो हमारी क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब क्या होता है भाई, अब मिलाप इस तरीके से जा सकता है, लेकिन क्या होनी चाहिए उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। तो क्या होती है भाई स्ट्रेट लाइन, क्या होती है कि नहीं दो पॉइंट्स के बीच की एक सीधी रेखा, क्या होनी चाहिए? सीधी रेखा होनी चाहिए। सीधी रेखा को हम क्या कहेंगे भाई? एक स्ट्रेट लाइन कहेंगे। उनके बीच की एक सीधी रेखा ही हमारी क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन। अब एक स्ट्रेट लाइन को क्या होती है भाई, इसके कुछ तरीके होते हैं लिखने के, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन को कई तरीकों से लिखा जा सकता है। पहला होता है हमारा, पहला तरीका क्या होता है स्ट्रेट लाइन को लिखने का? पॉइंट स्लोप। दूसरा होता है हमारा टू पॉइंट। नेक्स्ट होता है भी स्लोप इंटरसेप्ट। उसके बाद होता है हमारा इंटरसेप्ट। नेक्स्ट होता है भाई हमारा नॉर्मल। इसी लाइन को हम क्या है, इन पांच तरीकों से दर्शा सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन को हम इन पांच तरीकों से दर्शा सकते हैं। अब भाई हमें पॉइंट के बारे में तो पता है, स्लोप और इंटरसेप्ट ये दो चीजें नहीं आई हमारी, एक नॉर्मल। अब हम पढ़ते हैं कि स्लोप क्या होता है एक लाइन का। स्लोप ऑफ ए लाइन, सबसे पहले क्या भी हमारा स्लोप ऑफ ए लाइन, इस चीज को समझने के लिए आपको ग्राफ देख, पर ग्राफ बनाते हैं एक लाइन का। मैंने क्या एक लाइन, ये लाइन ड्रा की, ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये लाइन हमारी है। ये क्या कर रही है भाई, x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। जब क्या करें कोई लाइन भाई हम ड्रा करते हैं और वो क्या है x अक्ष के साथ, यानी x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएंगे यानी जो कोण बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पहले तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। यानी क्या होगा हमारा, उस कोण को हम क्या कहते हैं भी रेखा का झुकाव, यानी क्या इसका झुकाव यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहा जाएगा। अगर मान लिया मेरा एक रेखा का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, क्या है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, किसी लाइन का अगर थीटा है तो उस लाइन का स्लोप हमेशा क्या होगा भाई, टेंजेंट थीटा। क्या है, अगर मेरी कोई लाइन एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण पर झुकी है तो मेरा उस लाइन का क्या होगा भाई, स्लोप टेंजेंट थीटा होगा। उसके बाद क्या है भाई, अब टेंजेंट थीटा तो आ गया, लेकिन एक स्लोप को हम दर्शाते किससे भी, एन से। इसी लाइन का स्लोप हमेशा किससे लिखा जाएगा भी, स्मॉल लेटर एम से लिख दर्शाया जाता है, ठीक है भी। तो हमारा एम स्लोप क्या होगा किसी लाइन का, एम क्या हो, इस तरीके से होगा हमारा एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। एक क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, फिर समझ में आएगा अच्छे से। क्या होता है भाई एक लाइन, क्या क्वेश्चन, किस तरीके का क्वेश्चन आता है इसमें, एक लाइन है वो एक्स अक्ष के साथ, क्या है भाई कोई लाइन है, एक रेखा एक्स अक्ष के साथ तीस डिग्री कोण पर झुकी है,
तो रेखा का, इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, ढाल। स्लोप को हिंदी में कहते हैं ढाल। क्या लिखा मिलेगा हमें, ढाल बताएं, यानी स्लोप ऑफ लाइन। ए लाइन इज इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा 30 डिग्री, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। क्या होगा अभी हमारा, एम इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है भी, तो ये क्या आ जाएगा उस लाइन का, हमारा स्लोप आ जाएगा एंगल 30 डिग्री। अब टेंजेंट 30 का मान कितना होता है भी, 1/√3 हमारा क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है भी, हमारा टेंजेंट एम टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा इसका, एम टेंजेंट 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। जब 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद आता है भाई एक और तरीका होता है स्लोप निकालने का, स्लोप ऑफ ए लाइन। क्या करता है, कई बार ये थीटा नहीं देता लाइन का, क्या करता है थीटा नहीं देता लाइन का, और क्या करता है उस लाइन के पॉइंट दे देता है। कोई भी दो पॉइंट दे दीजिए, एक ये दे दिया पॉइंट P1, एक पॉइंट P2, और इनकी वैल्यू x1 y1 x2 y, ये बोल दिया इसने। क्या कहा, एक लाइन दे दी, उसके पॉइंट्स दे दिए हमें x1 y1 x2 y2, और बोला फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, मतलब इस लाइन की ढाल बताओ कितनी। तो उस टाइम हमें स्लोप निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू y2 - y1 / x2 - x1। ये क्या होता है हमारा भाई, स्लोप ऑफ लाइन का तरीका निकालने का फार्मूला होता है, जब क्या है हमारे भाई पासिंग पॉइंट्स दे रखे हो लाइन के, कितने, दो पासिंग पॉइंट दे रखे। पहला पासिंग पॉइंट क्या कहा, क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, किस तरीके से देखते हैं, किसी रेखा की ढाल यानी स्लोप ऑफ लाइन का मान ज्ञात कीजिए यदि यह रेखा इससे भाई 3 - 2 और इससे पास हो रही है हमारे -1 और 4 से पास हो से गुजरती है। ठीक है भी, हमें निकालना है इसका स्लोप। तो हमारा क्या होगा अभी, यहां पर x1 हमारा क्या बन जाएगा, y1 क्या बनेगा -2, x2 क्या बन जाएगा -1, और y2 क्या बनेगा भाई 4। तो रखो वैल्यू 4 - (-2) डिवाइड बाय -1 - -3, कितना हो जाएगा अभी स्लोप ऑफ लाइन, 6 - -4, यानी माइनस का 3/2 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भी, अगर ये इस तरीके से स्लोप ऑफ लाइन पूछता हमारा। उसके बाद आती है भी स्लोप पर दो तीन चीजें और डिपेंड करती है। एक तो क्या होती है भी, अगर हमें लाइन का स्लोप पता है तो हम उन लाइंस की पैरेलल यानी वो क्या है, समांतर है या एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, वो बता सकते हैं। कैसे पता चलेगा भाई, अगर हमारी दो लाइंस दे रखी हैं और ये बोले भी ये बताओ ये लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर, क्या करता है। अब एक बात याद रखनी, जब भी क्या होंगी भाई टू लाइंस, जब भी क्या होंगी दो रेखाएं यानी दो लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है भी, क्या होंगी पैरेलल यानी समांतर, तो क्या होगा भाई उनका स्लोप, पहली लाइन का स्लोप हमेशा क्या होगा दूसरी लाइन के स्लोप के बराबर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे बोल पूछता भाई, फाइंड द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, क्या भी उस रेखा का, उस रेखा का की ढाल यानी स्लोप ज्ञात कीजिए जिसकी जो क्या भी उस रेखा के समांतर है जो 1, 2 और 4, 3 से पास हो गई, ठीक है, से गुजरती। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा अभी, पहले हमें निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ कौन सी का, स्लोप ऑफ लाइन जो इन पॉइंट से पास हो गई थी, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा हमारा, y2 - y1 / x2 - x1, यानी
वन बाई थ्री हमारा आंसर हो गया। अब क्या कहा है, अब ये जो लाइन हमारी क्या है रिक्वायर्ड लाइन, वो क्या इसके पैरेलल है, तो हमारा क्या हो जाएगा उसका अभी हमारा स्लोप कितना हो जाएगा अभी वन बाई थ्री हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा क्या होगा अभी इक्वल होगा। उसके बाद आती है कंडीशन परपेंडिकुलर की, यानी लंब। जब क्या हो दो रेखाएं एक दूसरे पर क्या है अभी क्या होंगी परपेंडिकुलर होंगी, यानी क्या होंगी लंब एक दूसरे पर लंबवत, ठीक है भी? एक दूसरे पर लंबवत कैसे भी, यानी परपेंडिकुलर कोण बना रही होंगी एक दूसरे के साथ। अगर मैं बोलता हूं इस लाइन का स्लोप क्या है M1 है और इस लाइन का स्लोप M2 है, तो क्या होगा इनके बीच में संबंध भी, M1 डॉट M2 हमेशा किसके बराबर होगा माइनस वन के बराबर होगा, यानी दो हमारी पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप की प्रोडक्ट किसके बराबर होगी माइनस वन के बराबर होगा, ठीक है जी। दो हमारी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हमेशा क्या होगा माइनस वन के बराबर होगा। इस तरीके का क्वेश्चन कैसे पूछता है भी, एक लाइन का स्लोप देकर दूसरी लाइन का स्लोप पूछते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू ए लाइन हूज स्लोप इज टू। क्या कहता है इस तरीके का क्वेश्चन रहता है, उस लाइन के स्लोप ज्ञात कीजिए जो क्या है इस लाइन पर परपेंडिकुलर है जिसका स्लोप दो है, यानी m हमारा कितना है भाई रिक्वायर्ड लाइन इसका, तो हमें निकालना कौन सा है m2, m1 ही हो गया, m2 निकालना है हमने क्योंकि हमारी साइड लाइन का निकालना है, तो कैसे होगा भाई 2 इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, एम टू किसके बराबर हो जाएगा भाई हमारा माइनस वन बाई स्लोप के, मतलब इस लाइन की परपेंडिकुलरिटी और वो कैसे बता सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी भाई एंगल बिटवीन लाइंस। अब दो लाइनें या तो क्या होंगी भाई एक दूसरे के पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी, और तीसरी कंडीशन क्या होती है भाई वो एक दूसरे को क्या होंगी किसी न किसी कोण पर काटेंगी, ठीक है भाई। तीन लाइनों के बीच मारा दो लाइनों के बीच मेरा यही रिलेशन होता है, या तो क्या होंगी पैरेलल होंगी या फिर क्या होंगी परपेंडिकुलर होंगी या फिर क्या होंगी किसी न किसी कोण पर एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है भाई। वो कोण कौन सा होगा भाई, अब देखो कैसे निकाल लेंगे। अब क्या है मैंने दो लाइनें, ठीक है, अब मैं इसकी बात करूं, क्या है ये मेरी लाइन L1 है ये L2, जिसका L1 का स्लोप मेरा क्या है भी M है, M1 स्लोप ऑफ L1 और स्लोप ऑफ L2 कितना भी मेरा M2, ठीक है, यानी कि इनके स्लोप दे रखे और उनके बीच का एंगल पूछते हैं। अब देखो भाई एंगल तो ये भी है और एंगल हमारा ये भी बनेगा भाई, एंगल तो ये भी बनेगा हमारा, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन L1 स्लोप ऑफ लाइन L2 ये बनेंगे दोनों, ठीक है भाई। अब हमें निकालेंगे एक दूसरे की वैल्यू अपने आप पता चलेगी, तो इनके बीच का स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है भाई हमारा टेंजेंट थीटा मॉडुलस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, ठीक है भी। स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, ये तरीका होता है भी इसी लाइन के बीच का एंगल निकालने का, ठीक है भी। कैसे, अगर हमें दिया गया है, अब इनको क्वेश्चन से करते हैं क्या किस तरीके से देता है क्वेश्चन, स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट इज टू स्लोप ऑफ लाइन थर्ड फाइंड द एंगल बिटवीन देम, ठीक है भी। अब कैसे होगा टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा टू माइनस थ्री वन प्लस टू इंटू थ्री, ये हो जाएगा भी इसके बराबर होगा ये माइनस वन बाय सिक्स प्लस वन कितना हो जाएगा भाई हमारा सेवन हो जाएगा, ठीक है भी सिक्स प्लस वन इक्वल टू सेवन। अब क्या होता है भी मॉडुलस का निशान है तो हमारा क्या कर देगा माइनस, तो खत्म, यानी टेंजेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा माइनस,
अब हमारा एंगल किसके बराबर होगा, यानी थीटा टेंजेंट इनवर्स 1/7, ठीक है। ये तो हमारा इस तरीके से होगा। मोस्ट इन केसेस में हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है 30, 60 या 90, इन्हीं में से कोई कोई ना कोई वैल्यू आपकी, ठीक है, जीरो। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आता है। अब बात आती है इसकी भाई, अब देखो भाई, ये हमारा पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री है। अगर मेरे को इसकी वैल्यू पता है तो मैं इसकी निकाल सकता हूँ, यानी मेरा फाई हमेशा किसके बराबर होगा, 180 माइनस थीटा। ये हमारा न्यून कोण होता है, ये क्या होता है हमारा अधिक कोण, ठीक है भी? इसको हम बोलते हैं न्यून कोण, और ये कौन सा बनेगा हमारा अधिक कोण, ठीक है भी? आई पता लगा भाई स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा हमारा। ये था भाई हमारा स्लोप ऑफ लाइन के बारे में। उसके बाद आती है भाई हमारी टाइट। एक तरीका और बचता है स्लोप पर डिपेंडेंट, स्लोप पर आती है कोलिनियरिटी, यानी क्या होगा भाई संरेखी। कई बार क्या करता है ये, तीन पॉइंट देके पूछता है भाई ये क्या हमारे संरेखी हैं या नहीं, यानी कोलिनियरिटी बोलते हैं इसको भाई। एक भाई वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं या नहीं, ठीक है भाई। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे होंगे भाई हमारे, अब ये क्या है इस तरीके से ए बी और सी, ये तीन पॉइंट है, इस तरीके से तीन पॉइंट देता और पूछता क्या है, अगर ये इस तरीके से भी एक लाइन पर है तो ये क्या होंगे हमारे संरेखी, यानी कोलिनियर, ठीक है भाई, कोलिनियर होंगे हमारे, ठीक है भाई, उनको हम कोलिनियर बोलते हैं। अब इसको पता कैसे करेंगे हम भाई कोलिनियर है या नहीं है, तो कोलिनियरिटी के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है भी, जो हमारा स्लोप ऑफ ए बी इसके इक्वल होगा हमारा स्लोप ऑफ बी सी के बराबर होगा, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी हमेशा किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। ये होता हमारा एक लाइन को, एक लाइन की इक्वेशन से हमारा मतलब स्लोप से तीन चीजें डिपेंड करेंगे हमारी भी। एक कौन सी स्लोप का हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो एंगल से थीटा दे रखा है हमारा यानी टेंजेंट थीटा से, दूसरा टू पॉइंट्स तरीके से दो पॉइंट्स दे रखे थे तब निकल जाएगा हमारा। अब तीन चीजें हमारी किस पे डिपेंड करती हैं भाई हमारी स्लोप पर, पहला कौन सी पैरेललिज्म, दूसरा परपेंडिकुलरिटी, ठीक है भाई, तीसरा उनके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन लाइन निकाल सकते हैं हम, और चौथा क्या बता सकते हैं भाई कोलिनियर, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।